अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सो हम है स्टेज हमारा जो आपका स्टेज है वो प्लास्टर का स्टेज स्टार्ट हो गया है। जो सीमेंट प्लास्टर है वो हम कर रहे हैं इस घर के अंदर। तो आज एक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो बिफोर दैट आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके साथ वीडियोज़ जो है अपकमिंग जो वीडियोज़ है वो आपके साथ शेयर होते रहे। अच्छा, प्लास्टर करते वक्त दो किस्म के सोच होते हैं। ये अगर प्लास्टर को मैं इस तरह से चेक करूं तो रफ है। कुछ डिज़ाइनर का सोच है या कुछ कंस्ट्रक्टर का सोच है कि प्लास्टर को रफ होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसको बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अच्छा, स्कूल ऑफ थॉट जो दोनों है, दोनों का अपना एक कॉन्सेप्ट है। जो एक कॉन्सेप्ट है जो स्मूथ वाले हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप इसको रफ करेंगे तो उसका ये नुकसान होता है कि जो रंग है यानी पेंट इसके बाद होगा तो पेंट पे बहुत ज़्यादा मटेरियल लग जाता है और वो ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है अगर आप इसको रफ करेंगे। इसलिए इसको स्मूथ होना चाहिए। लेकिन जो लोग रफ करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप इसको स्मूथ रखेंगे तो जब आप इसके ऊपर पेंट करते हैं तो वो पेंट आपका पील, जिसको पीलिंग बोलते हैं, यानी कि वो गिर जाने का ख़तरा होता है ये इस दीवार से। मेरी ज़ाती राय वो ये है और मेरे ख्याल में आप सब इससे मुतफ़िक होंगे कि इसको रफ होना चाहिए। बेशक मटेरियल का ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आप इसके ऊपर पेंट के जो कोट्स लगाते हैं वो परफेक्टली फिक्स्ड हो जाते हैं इसके साथ, ठीक है। और जब वो फिक्स्ड हो जाते हैं तो फिर उसके पील होने का यानी इसके गिरने का जो चांस है, टुकड़ों में गिरने के जो चांस है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं और आपको जो है परफेक्ट स्मूथ सरफेस मिल जाता है। अच्छा, कभी कभी ये कहा जाता है कि अगर आप इसको वो करेंगे, स्मूथ नहीं करेंगे, रफ़ रखेंगे तो फिर आपका दीवार हमेशा रफ़ रहेगा। ये एक गलत कंसेप्ट है। ये रफ़ नहीं होता क्योंकि जब भी आप लोग पेंट वर्क करते हैं तो पेंट वर्क में ये होता है कि आपका जो क्या बोलते हैं उसको प्रीमर जिसको बोलते हैं, यानी कि पहला कोट जब आप लगाते हैं वो बेसिकली एक फिलर मटेरियल होता है जो कि इसके जितनी भी पोर्स है इसको फिल कर देता है। और जब उसकी फिलिंग हो जाती है तो उसकी फिलिंग के बाद ये कभी रफ़ नहीं रहता, ये स्मूथ हो जाता है। तो इस वजह से वो जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप इसको रफ़ रखेंगे तो ख़र्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो पेंट का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको जब भी आप लोग प्लास्टर करते हो, प्लास्टर को जिसको पोम बोलते हैं वो पोम लगा के इसको रफ़ करना चाहिए। जब इसको रफ़ करोगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जो पेंट इसके ऊपर होना है वो पेंट एक परफेक्ट पेंट होगा, ठीक है। थैंक यू, आई होप सो कि आप लोग को समझ आ गई होगी। अगले वीडियोज़ में हम किसी और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।